Hello, students, and good evening to everyone. And now I am again with you with another topic of business laws, unit 4th. Topic is Companies Act, and subtopic is formation of companies. How we form the companies when we start a new company? What are the steps and procedures should be followed, and all these things are discussed in that particular thing. So first of all, you just want to know that what is formation of company. Basically, a company comes into existence when a group of peoples come together with a view of forming as association of exploit the business opportunities by bringing together man, material, machine and management. तो कंपनी जो है तब स्टार्ट होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब उसकी एग्जिस्टेंस तब होती है जब ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है एक साथ मिलकर कुछ फॉर्म करते हैं, किसको फॉर्मिंग है, एसोसिएशन भी हम इसको कह सकते हैं, और टू एक्सप्लॉइट द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर मैन मशीन मटेरियल एंड मैनेजमेंट एंड मनी एक्सेट्रा, 5 M's हम इसको कह सकते हैं, 4 M मैन मशीन मटेरियल, और नाउ डेज इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट इज आर Before starting a company, you should keep in your mind which business to start. आपको क्या business start करना है, क्या activity करनी है, whether a new company should be formed or take over the business of some existing company. क्या आप नया काम करने जा रहे हैं या फिर आप कोई पुरानी company को existing company को ही form कर रहे हैं, existing company को ही take over कर रहे हैं, या private company है या public company, ये भी आपको decide करना होता है. And what should be the capital of the company? कंपनी की कैपिटल कितनी होगी ये भी आपको डिसाइड करना होता है. तो ये ध्यान रखना होगा जब भी आप कंपनी स्टार्ट करने जाएंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी, फॉर्मिंग अ कंपनी, देन यू शुड कीप इन योर माइंड दीज क्वेश्चंस. देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दिस इज द फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी भी इसको कहा था, इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. The first one is requirement for having a DIN. DIN basically Directors Identification Number इसको कहा जाता है, या individuals as a director जो भी appoint होते हैं company में, या no company shall appoint or reappoint any individual as director of the company unless he has been allotted a director DIN, यानी कि Directors Identification Number. जब तक उसको Director Identification Number नहीं होगा तब तक उसको director अपॉइंट नहीं किया जा सकता. तो कोई भी कंपनी का जब डायरेक्टर होगा तो उसको हमें ये देखना पड़ेगा क्या उसका फॉर्म है या DIN उसका है या नहीं है. देयरफॉर बिफोर सबमिशन ऑफ ई फॉर्म, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म INC1 जो है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ द ऑल डायरेक्टर्स और प्रपोज्ड कंपनी मस्ट बी इंश्योर दैट दे आर हैविंग अ DIN. फिर एक नेम ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर्स जितने भी होंगे उनके जो कंपनीज में प्रपोज किए जाएंगे उन सबके DIN नंबर से होने चाहिए और उनको INC1 पे अपलोड किया होता है. तो ई फॉर्म होता है. एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ DIR3. अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को डायरेक्टर्स के रूप में कंपनी के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कराना चाहता है देन ही शुड बी शैल बी एप्लीकेबल टू अप्लाई द application form and for allotment of DIN to the central government in a prescribed form of DIR3 जो है इसको कहा जाता है. उस फॉर्म को भर के अगर वो भेजता है तो उसे कंपनी जो है DIN नंबर मिलेगा. देन अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सेलेक्टेड नेम, जो भी नेम हमें कंपनी का अगर सेलेक्ट करना है तो उस कंपनी के नेम को हमें रिजर्व करना होता है. The promoters of new company shall make application in e-form INC1 along with the fee as prescribed in the company's rules 2014 electronically with the ROC registered office of companies for his confirmation for the reservation of the proposed name that it is not under desired undesirable. ठीक है, तो जो भी नेम हम उसको सजेक्ट करेंगे तो वो जो नेम है उस नेम को ई फॉर्म INC1 के साथ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप करके और कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ उसको फी इलेक्ट्रॉनिकली फी पेमेंट करके और कंफर्मेशन हम ले लेते हैं और इसको ये कहते हैं कि अनडिजायरेबल नहीं है और प्रपोज्ड नेम है इट इज़ नॉट अनडिजायरेबल तो इसलिए उसको हम
फिलअप कर देंगे. देन रिजर्वेशन ऑफ नेम गिवन बाय द आरओसी शैल बी वैल्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, है ना. तो जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे, जब से लेके और 60 डेज तक आपकी रिजर्वेशन उसको नाम को मान लिया जाता है, उसके बाद वो किसी को और को अलॉट नहीं किया जाता. देन प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद कंपनी को जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको प्रिपेयर करने होते हैं कंपनी को, इसको ड्राफ्टिंग ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज जनरली स्टेप सब्सिक्वेंट टू द रिजर्वेशन ऑफ नेम मेड बाय द रजिस्ट्रार. ये तभी होते हैं जब हम रजिस्ट्रार के साथ नेम अपना सिक्योर करा लेते हैं, रिजर्व करा लेते हैं, तो हमें फिर MOA और AOA को ड्राफ्टिंग करके उसको तैयार करना होता है. देन दूसरा काम हमें करना होगा, इट शुड बी नोटेड दैट द मेन ऑब्जेक्ट मस्ट बी मैच्ड विद द ऑब्जेक्ट शोन इन ई फॉर्म INC1. जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना होगा. इट शुड बी नोटेड, इसको ध्यान में रखना है. देन MOA और AOA ऑफ कंपनी ड्यूली साइन बाई ऑल सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014. जो भी मेमोरेंडम है या AOA है, दोनों के दोनों एक ड्यूली जो है साइन होंगे सभी सब्सक्राइबर्स के, मेंबर्स के, और उसके बाद जो है इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर उन सबको एक सब्सक्राइब मैनर्स में आपको तैयार करना होता है. देन अनदर जो स्टेप्स यहाँ पर आती है वो है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ हमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं. यहाँ पर फाइल द ई फॉर्म INC7, इसको INC2 इन केस ऑफ OPE OPC, ठीक है, एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द ROC, ठीक है. ROC जो है आपका पता है आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनीज एंड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी विदिन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम गिवन बाय द रजिस्टर. तो एक ई फॉर्म INC7 जो है आपको भरना पड़ेगा, और इनकेस ऑफ पब्लिक कंपनी अगर है, ऑपरेटिंग पब्लिक कंपनी है, तो उसमें INC2 आपको देना होता है. एंड ये विदिन 60 डेज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ नेम की जो है रजिस्ट्रार के सामने आपको देना होगा. दूसरा है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म INC8 जो आपको दिया गया होगा, अवेलेबल इन वर्ड फॉर्मेट एंड वाई एन एडवोकेट और CA CS CMA, और इन प्रैक्टिस जो भी है उनसे आपको डिक्लेरेशन लेना होगा. एंड हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, वो बताएंगे कि वो उसमें एंगेज हैं और जो है आपका देना है. एन एफिडेविट इन फॉर्म ऑफ INC9 available in word format with the form of INC7 by each subscribers to the memorandum and by all the person named as bus director and they are not convicted of any offense and connection with the promotion and management of any company. So ye affidavit bhi aapko dena hoga ki jitne bhi directors appoint ho rahe hain first director ke roop mein, un persons ke name aur subscribe to the memorandum jitne hain unko aapka name dene honge, puri detail deni hogi. Uske baad ये भी देना होगा कि वो किसी भी तरह के ऑफेंस में, कन्विक्टेड ऑफेंस में नहीं फंसे हैं और ना ही वो किसी और कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट में हैं. तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको जो है फिल करने होते हैं और एफिडेविट के रूप में आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा. इसके अलावा द एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश. जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता तब तक के लिए जो भी एड्रेस है वो आपको देना होगा. Another is particulars of the persons mentioned in the article as the first director of the company is prescribed form DIR-12. जो भी first director of the company appointed होंगे उनकी particular details जो है mentioned करनी होगी articles में. E form INC-22 for verification of location of the registered office. ये भी आपको बताना पड़ेगा कि E form 22 आपको देना पड़ेगा कि ये जो registered office है उसकी location क्या होगी. And COI, companies of India, on satisfaction of the registrar that the requirement have been complied and with by the company and will have retained the document and registered the AOA and MOA and will issue a certificate of incorporation the form INC-11 within 7 days of receipt of the document. So, इसके बाद फिर incorporation of का जो register certificate है वो आपको मिल जाता है within 7 days of receipt of this document. तो फिर आप इसको रिसीव कर सकते हैं. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है ये आपकी स्टेप आती है इसके बाद. सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट कंपनीज अर्लियर इट वाज फॉर पब्लिक कंपनी ओनली हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी वॉरिंग पावर्स अनलेस इट फाइल्स अ डिक्लेरेशन विद ROC
इन ई फॉर्म ऑफ INC 21 जब तक भी कोई भी कंपनी कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी की जो है वो जो है इसमें आ सकती है, रिक्वायर्स हैंड ऑफ फॉर्म ऑन पावर्स, देन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो इस टाइप का होगा, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल सेल फाइल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल अलोंग विद द ई फॉर्म ऑफ INC 21 विद द ROC, लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद देयर शेयर होल्डिंग्स, कितने मेंबर्स हैं, क्या शेयर होल्डिंग है, कंसेंट ऑफ ऑडिटर्स भी आपको देनी होगी, सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ इशू ऑफ द कंपनी वो प्रेजेंट करनी होगी, डिटेल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड प्रपोज टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी ये आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ कंपनीज ये भी आपको देनी पड़ेगी, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ MDs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, अंडर राइटर्स की, कॉन्ट्रैक्टर की, एंटर इनटू द प्रमोटर्स एंड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ये आपको देना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम ROCs ये भी बताना पड़ेगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो क्या होगी, ट्रू कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर फाइलिंग डिक्लेरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो है वो भी आपको देना होगा, कंफर्मेशन फॉर पेड अप शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 5 lakhs इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 1 lakh इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड ऑपरेट अंडर कंपनी जो है एंड प्रूफ देयर ऑफ जो है ये भी आपको पे करना पड़ेगा शेयर कैपिटल का एक्सटेंड करने के लिए, तो इनकेस इन द एंड द डिक्लेरेशन फॉर्म शैल बी वेरीफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी CA और CMA इन प्रैक्टिस, एंड ये भी ध्यान देना है कि इट मे बी नोटेड दैट इफ इट्स डिक्लेरेशन INC 21 इज नॉट फिल्ड विद इन 180 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन देन ROC हैज द पावर टू स्ट्राइक ऑफ द कंपनी यानी कि इसको कैंसिल कर सकती है, ये भी ध्यान देना होगा, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में अकॉर्डिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 हमें फॉलो करनी होती है, थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक यू हैव you have to understand you have understand these things and all the things which I discussed with you and this is the part 1 of formation of company